आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रोथ स्टॉक के बारे में। उदाहरण के लिए मैं स्क्रीन में आपको एक स्टॉक का चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। यह है एस्ट्रल। एस्ट्रल के चार्ट पैटर्न में आपको दिख रहा होगा 2020 से 2021 के बीच में यह लगातार ही ग्रो करता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि यह स्टॉक की कंपनी हमेशा इसमें री इन्वेस्ट करती जाती है। री इन्वेस्ट के कारण यह स्टॉक लगातार हर ट्रेंड में ग्रोथ करता ही जाता है। ये इनकी पीए रेशियो के बारे में भी बात करते हैं। इनका पीए रेशियो हम नॉर्मल वैल्यूड कंपनी से ज़्यादा ही होता है। जैसे कि आप देखते आए हैं, पीए रेशियो 30 से नीचे कंपनियां अच्छी होती है और हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बट ग्रोथ स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं होता है। यह हमेशा पी रेशियो 30 के अबव ही ट्रेड करते हैं। आइए हम इनके डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं। इनका डिविडेंड यील्ड 0.1 भी नहीं होता है, 0.08 आप देख सकते हैं इसका डिविडेंड यील्ड है। सो यह अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के बजाय वो पूरा प्रॉफिट अपने स्टॉक में री इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमें यह स्टॉक आगे ऊपर जाते ही दिखेगा। आगे के कुछ मज़ेदार चीज़ें जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।